टू एवरी वन ऑफ यू, आप सबको जय खुदावंद यीशु मसीह की। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि एक और मौका खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए दिया कि मैं आपके सामने खुदावंद के जिंदा कलाम को पेश करूं। तो खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फादर, आई प्रे दैट योर होली स्पिरिट विल मूव upon the content of your word that you laid upon my heart, Lord, that it will be your wisdom being unleashed, the wisdom of the ancient, as if there is a fountain of the deep is broken, and your profound wisdom and deep insight flows right into our hearts, Lord, to illumine our path, that we discover the ancient paths and we walk on them, Lord. Tera dhanyawad खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस पूरे ब्रॉडकास्ट को तेरे जलाली हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। तो जो पैगाम मैं पिछली बार आपको दे रहा था, लास्ट वेंसडे, उसी की नेक्स्ट, उसी के सीक्वल में हम आगे बढ़ेंगे। मैं पिछली बार आपको उस विजडम के बारे में बता रहा था कि जो ऊपर से आती है, लेकिन अगर इंसान मुस्तैदी से उसकी हिफाजत ना करे और खुदावंद के हजूर में उसका तालिब होके खुदावंद के पीछे ना चले, तो कैसे वो आसमानी हिकमत, वो जिस्मानी हिकमत और शैतानी हिकमत में तब्दील हो जाती है। तो मैं सुलेमान के बारे में आपको बता रहा था। मैंने आपको ये भी बताया कि सुलेमान के पास बहुत से वसीलात थे जिनके द्वारा सुलेमान के पास बेशुमार दौलत आया करती थी। तो मैंने आपको बताया था कि सुलेमान को सुनने के लिए जमीन के आलम फाजल लोग, हुक्मरान और बादशाह लोग आया करते थे, और सुलेमान इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल विजडम कॉन्फ्रेंसेस वो किया करता था। और अगर आप पढ़ेंगे तबारीख की दूसरी तबारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स 9:23-24, क्रॉनिकल्स जिसे आप कहते, इंग्लिश में कहते हैं, हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, उर्दू में शायद तबारीख कहते हैं उसे, उसका दूसरी किताब 9:23-24 आयत, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि बड़े बड़े बादशाह, आलिम, फाजल, शहंशाह लोग सुलेमान के सेमिनार में आते थे उसकी हिकमत सुनने के लिए। और उसकी 24 आयत में लिखा है, दूसरा तवारीख 9:24 में, सुलेमान उनको चार्ज करता था, उन्हें फी पे करनी पड़ती थी विजडम सुनने के लिए। वो सेमिनार जो होते थे, बड़े बड़े समिट होते थे, वो मुफ्त में नहीं थे, सुलेमान चार्ज किया करता था। और लिखा है कि हर साल वो अपने रेट बढ़ाया करता था, जैसे कि कोई फिल्म स्टार, उसकी एक मूवी हिट हो जाए तो उसी डायरेक्टर की अगली मूवी करने के लिए वो ज्यादा पैसे मांगता है। तो बहुत ही वसीलों से सुलेमान के पास दौलत आया करती थी। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक आयत देना चाहता हूं, जबूरों की किताब, उसका 48 जबूर, और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 7:7, जबूर 48:7, तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। आज हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद तरसीस के जहाजों को तोड़ता है और क्यों खुदावंद तरसीस के जहाजों को तोड़ता है। यहाँ पे जो पूर्वी हवा लिखा है, जो ओल्ड टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया, जिसे सेप्टुएजेंट बोलते हैं, उसके अंदर यहाँ पे जो अल्फाज है पूर्वी हवा, उसे ग्रीक वर्जन में लिखा गया है यूरोकिलियो या यूरोकिलोन, यूरोकिलियो, यूरोकिलिया, यूरोकिलोन।
अगर आप देखेंगे रसूलों के अमसाल उसके 27 बाग की 14 आयत, तो खुदावंद का खादिम रसूल पलूस भी जब जहाज में बैठता है और इसी डायरेक्शन में जाना मांगता है, तो रसूलों के अमाल 27 बाग की 14 आयत में लिखा है कि एक बहुत खतरनाक तूफान आता है जिसका नाम वहां पे ग्रीक में लिखा है यूरोकिलोन। वो आके जहाज को तोड़ डालता है, और क्योंकि खुदा का खादिम पलूस उस जहाज पे सवार था, तो खुदावंद अपने खादिम की मार्फत जहाज पे जितने सवार थे सबको बचा लेता है। तो खुदावंद जबूर नबीस के वसीला से कहता है कि मैं यूरोकिलोन को भेजूंगा, एक ऐसी तूफान को भेजूंगा जिस तूफान के बीच में एक खतरनाक बदरू होगी जो तरसीस के जहाजों को नेस्ता नबूद कर देगी। ये जो तरसीस है इसके बारे में अगर आप टेबल ऑफ नेशंस जेनेसिस चैप्टर 10 में नू के 3 बेटे शेम, हैम और यफेत के 70 बेटे जो पैदा होते हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनमें से तारसीस एक मुल्क का नाम है, जेनेसिस चैप्टर 10 में आपको मिलेगा। और कुछ जियोलॉजिकल स्कॉलर्स मानते हैं कि तारसीस अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में भी एक पॉइंट है, लेकिन जो बाइबल के स्कॉलर मानते हैं एक्सट्रीम स्पेन की तरफ, स्पेन की एक्सट्रीम फ्रिंज के ऊपर ये पोर्ट है जिसका नाम है तारसीस। हम देखते हैं यूहन्ना नबी की किताब में खुदावन ने यूहन्ना को एक्सट्रीम ईस्ट की ओर जाने के लिए कहा, पूरब की ओर, लेकिन वो एक्सट्रीम वेस्ट की ओर चला गया, तारसीस की ओर। और हम देखते हैं कि वो कहां से बोर्ड करता है प्लेन, अपना शिप कहां से, जो वेसल कहां से बोर्ड करता है, यापा से, यापा, JOPPA, उर्दू में मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है लेकिन इंग्लिश में है यापा, योपा, यापा, वहां से प्लेन बोर्ड करता है और तारशीश की ओर चला जाता है। ये यापा जो जगह है योपा, ये एक ऐसी खास मार्क की हुई प्लेस है, यहां पे आके इंसान खुदावंद की इनकारी करता है, खुदावंद के मकसद की इनकारी करता है, खुदावंद के दिए हुए रोआ से दूर भागना चाहता है। तो जोना नबी भी ये काम करता है, और हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसके 10 बाब में खुदावंद का रसूल पतरस वो भी यापा में है, और वो किसी एक शख्स के घर में ठहरा हुआ है जो यापा में रहता है, कोस्टल एरिया में, और खुदावंद उसको एक दर्शन देता है, रुआ देता है, एक चद्दर आसमान से उतरती है, 3 मर्तबा खुदावंद उसे हुक्म देता है कि उसके अंदर जो जानवर है उन्हें मार के खा, लेकिन 3 बार पतरस जो है खुदावंद के हुक्म से मुनकर हो जाता है, खुदावंद की हिदायत को मानता नहीं है। तो यापा में है वो, यापा में, यापा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पे आप हमेशा खुदावंद के हुक्म की हुक्म अदूली करते हो। तो आपको मालूम पतरस का जो पहला नाम था वो था शमौन, पानी के अंदर लगा हुआ सरकंडा जो कभी हवा से इधर चला जाता है, पानी की लहरों से इधर डोलता है। तो खुदावंद उसका नाम तब्दील करते हैं, खुदावंद उसे कहते हैं तेरा नाम शमौन नहीं, तेरा नाम पेट्रोस होगा, या अरामिक में कहते हैं सेफास, कि तू एक पत्थर होगा जो इधर उधर डोलेगा नहीं। लेकिन देखिए जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे जाते हैं, सारे शागिर्द भाग जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, लेकिन पतरस बाकी के शागिर्दों को साथ लेके फिर मछलियां पकड़ने चला जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना रसूल की इंजील के 21 बाब में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह फिर से वहीं जाके उसे मिलते हैं जहां पे खुदावंद उसे 3.5 साल पहले मिले थे।
और खुदावंद उसे किस नाम से पुकारते हैं? क्योंकि वो अपने पुराने किरदार में लौट चुका है, तो खुदावंद उसे कैफा नहीं कहते, कैफास नहीं कहते, पेट्रोस नहीं कहते, खुदावंद उसे कहते शमौन बार जोना, शमौन बार जोना, उसका पुराना नाम शमौन बार योना। किसके संग कनेक्ट करते हैं? योना नबी के साथ। योना भी यापा में खुदावंद की हुक्म अदूली करता है और बजाय ईस्ट की जाने के एक्सट्रीम वेस्ट की ओर चला जाता है, एक्सट्रीम डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और जापा में जाके शिप बोर्ड करता है, उसको पेमेंट भी खुद करनी पड़ती है। लेकिन आपको मालूम, जब खुदावंद आपको भेजता है अपने मिशन पे तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, खुदावंद ने सारे वसीले पहले ही आपके हाथ में दे दिए होते हैं, खुदावंद ने हर चीज आपको पहले प्रोवाइड की होती है। तो जब वो तौबा करता है मछली के पेट में, तो खुदावंद बिना पैसे के उसे दोबारा निनवे पहुंचा देता है। उसे निनवे जाना होता है लेकिन वो तारशीश चला जाता है। तो हम पढ़ते हैं बाइबल में एक, हम उसी के संग कनेक्ट होंगे जहां हमने पिछले वेंसडे खत्म किया था, लेकिन एक जर्नी पे अभी हम चलेंगे। तो हम देखते हैं कि जो किंग्स की बुक्स हैं, फर्स्ट किंग एंड सेकंड किंग्स, उसमें जो नॉर्दर्न किंगडम है उसके अंदर भी मुख्तलिफ बादशाह हैं और जो सदरन किंगडम है उसके अंदर भी मुख्तलिफ बादशाह हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न किंगडम है उसके लगभग 100% बादशाह खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे। जो सदरन किंगडम है उसमें बहुत से ऐसे बादशाह हुए जो मुकम्मल तौर पे खुदावंद के तालिब थे, कुछ हाफ हार्टेडली खुदावंद के तालिब थे, सेमी गॉडली एंड परफेक्टली गॉडली ऐसे मुख्तलिफ किस्म के बादशाह थे सदरन किंगडम में। तो हम पढ़ते हैं एक बादशाह के बारे में जिसका नाम है जोसाफाट। जोसाफाट बादशाह का बाप था आसा। आसा एक बहुत अच्छा बादशाह था, खुदावंद का तालिब था, खुदावंद का हुक्म मानने वाला गॉडली किंग था, लेकिन उसने अपनी बादशाही के दौरान इज़राइल में से हाई प्लेसेस, जिसके ऊपर इसराइली गैर कौमों के मबूदों को धूप दुखाते थे, वो जगहें उसने नहीं मिटाई। तो हम देखते हैं उसका बेटा जोसफाट, आप सेकंड तवरीख, सेकंड क्रॉनिकल्स 20:35 पढ़ लीजिएगा, आसा की बाबत उसमें लिखा हुआ है। और जोसफाट जो राजा है वो उसका बेटा है, वो फ्रॉम हिज हार्ट इज अ गुड किंग, अच्छा बादशाह है, लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि वो गलत लोगों की सोबत में रहता है और वो रॉन्ग अलायंसेस बनाता है, गलत लोगों के साथ दोस्ती करता है, गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और गलत अलायंस, नेपोटिज्म और रॉन्ग चॉइसेस जो जोसाफाट अपनी जिंदगी में लेता है, जिसके कारण उसकी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं। वो नॉर्दर्न किंगडम के एक दुष्ट राजा, एक बहुत ही बुरे बादशाह जिसका नाम अहाब है और जिसकी बीवी का नाम है इजबेल, वो इथबाल की बेटी है जो सूर और सैदा का बादशाह है और बाल जो देवता है उसका वो पुरोहित है, याजक भी है, उसकी बेटी से शादी करता है और इजबेल सदरन, इजबेल जो है वो नॉर्दर्न किंगडम के अंदर तबाही लेके आती है, वो बाल देवता को लेके आती है और पूरे का पूरा बनी इसराइल जिंदा खुदावंद यहोवा को छोड़ के बाल के पीछे हो लेता है। और चार खुदावंद के कोड़े, पहला है सोड तलवार, दूसरा है अकाल, तीसरा है प्लेग मरी और चौथा है बीस्ट, ये सारे बनी इसराइल के ऊपर खुदावंद के
कहर टूट पड़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जहोशाफाट राजा अहाब राजा के साथ रथ पे सवार होके जाता है। मेरे पास समय नहीं वो पूरी कहानी बताने का। तो अहाब बहुत चालाक है और रमोत गिलियत में एक लड़ाई है, जिस लड़ाई में ये जहोशाफाट की मदद लेता है और अपने कपड़े जहोशाफाट को पहना देता है, क्योंकि दुश्मन की फौज ने ये दिल में ये इरादा किया है कि वो सिर्फ बादशाह को मारेंगे और अहाब को मारेंगे। तो वो उसके फौजी जो हैं अहाब के रथ में जहोशाफाट को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये अहाब राजा है, वो उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वो पहचान लेते हैं कि ये अहाब नहीं है, तो वो उसके पीछे से हट जाते हैं। तो अहाब सोचता है कि मैं बच गया, लेकिन एक जो फौजी है वो एक तीर छोड़ता है, पंजाबी में लिखा अटकल पच्चू, वो एक तीर छोड़ देता है और उस तीर को खुदावंद का एंजल डायरेक्ट करता है और अहाब राजा ने जो कपड़े पहने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वॉर के गियर पहने हुए हैं, उसके अंदर एक चिंक इन द आर्मर है, किसी जगह से वो उसका जो उसने पोशाक पहनी है उसके अंदर कोई दरार है, उस दरार में तीर घुसता है और अहाब राजा मारा जाता है, जैसे कि खुदावंद के नबी एलिया ने नबूवत की थी। हालेलुया। तो ये जो हाई प्लेसेस हैं, ऊंचे स्थान, इनको ना तो आसा ने तोड़ा ना ही जहोशाफाट ने तोड़ा। आपको मालूम अनबिब्लिकल वर्शिप मूर्ति पूजा है, खुदावंद के मुकर्रर किए गए पैटर्न पे ही हम खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। हमारा बाप, आसमानी बाप चाहता है कि उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई में। तो जो ये वर्शिप खुदावंद को ऑफर की जा रही थी, इसके लिए हिब्रू फ्रेज है अबोदा जेरा, अबोदा जेरा, जिसका मतलब स्ट्रेंज और एलियन वर्शिप। हालेलुया। तो जहोशाफाट जो अच्छा राजा है, सेमी गुड किंग है, पूरी तरह से खुदावंद का तालिब नहीं है, पूरे दिल से खुदावंद के पीछे नहीं है, तो कई बार जब गुड लीडर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते पर गुड लीडर होते हैं, वो कंप्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी में, तो उनके कंप्रोमाइज के कारण या वो टॉलरेट करते हैं ईवल को, तो पूरी की पूरी कौम खुदावंद से बेमुख हो जाती है। जहोशाफाट एक अच्छा राजा है लेकिन गलत लोगों के संग पार्टनरशिप करता है। तो आप अच्छे खुदा के खादम हो, आप अच्छी और खरी तालीम आपने हासिल की और लोगों को देते हो, लेकिन आप फेलोशिप किन लोगों के साथ रखते हो? क्या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से रॉन्ग अलायंस आपको करनी पड़ती है? क्या कोई ऐसी आपकी जिंदगी में मजबूरियां हैं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपको गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है? खुदावंद की नजर में ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो किसी ने जैसे कहा, गुड लीडर मे नॉट लीड पीपल टू रिवाइवल बट गुड लीडर कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फॉलिंग अवे। हालेलुया। तो दूसरा तवारीख उसका 20 बाब में से मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा तवारीख सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 20, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 20, एंड लेट मी रीड फॉर यू वर्स नंबर 35। पास्टर जी आप एक दफा हिंदी में भी रिपीट कर दें, हिंदी में या पंजाबी में, कई बहुत सारे बहन भाई हिंदी। ये इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 20 बाब और उसकी 35 आयत, यहां लिखा, एंड आफ्टर दिस डेड जहोशाफाट किंग ऑफ जूडा join himself with Ahaziah king of Israel who did very wickedly।
इसके बाद जोसाफाट ने अपनी अलायंस कर ली अहजाया के साथ। ये अहजाया कौन है? ये इजबेल और अहाब का बेटा है और वो अपने बाप से भी ज्यादा बुरा है। तो आगे लिखा ही एंड ही जॉइंड हिमसेल्फ विद हिम टू मेक शिप्स टू गो टू तार्शिश एंड दे मेड द शिप इन इजियोन गेबर। Then Eleazar, the son of Dodavah of Marisha, prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works, and the ship were broken, and they were not able to go to Tarsis. Sune, ab Jehoshaphat ne sabak nahi sikha. Ahab ke marne ke baad uske bete ke saath dosti kar li. क्योंकि इसने अहाब और इजबेल की जो बेटी थी उसको अपने बेटे जोहराम के साथ ब्याह दिया था। वो एक अलग एपिसोड है और वो एक औरत जो इज़राइल में आई जो अहाब और इजबाल का बीज थी उसने दाऊद के खानदान के सभी प्रिंसेस को राजकुमारों को मरवा दिया। वो दाऊद के खानदान को नेस्तानबूद करना चाहती थी ताकि दाऊद की गद्दी पे कोई बैठने वाला ना बचे। इतनी विकेड औरत थी वो, लेकिन खुदावंत सुपर नेचुरली जोआश को बचा लेते हैं। जोआश बच जाता है जिसे दाई बचाती है और उसके वसीला से खुदावंत दाऊद के तख्त को कायम रखते हैं। तो जोसफाट अजाया के साथ मिलता है, इजबेल और अहाब का बेटा है। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं मुकाशफा की किताब में, प्रकाशित वाक्य में? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यू टॉलरेट दैट विकेड वुमन कॉल्ड इजबेल। तू उस इजबेल को टॉलरेट करता है। खुदावंद एक कलीसिया से शिकायत करता है कि इस कलीसिया के अंदर इजबेल की तालीम है। इजबेल अपना मजहब कलीसिया के अंदर चलाती है। तो जोसफाट क्या करता है, अहजाया के साथ मिलता है और इजियोन गिबर में वो जहाज बनाते हैं। जो जहाज किधर जाएंगे? तार्सिस की ओर जाएंगे। हालेलुया। गलत अलायंस, गलत स्पिरिचुअल फेलोशिप, गलत मिनिस्टीरियल कनेक्शंस। हम मिनिस्ट्री में गलत लोगों के संग कनेक्शन बना लेते हैं। कई बार खुदावंद के सच्चे खादिम, सच्चे तालिब, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं तो ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रियों के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं जो मिनिस्ट्रियां मॉरली करप्ट होती हैं, जो फाइनेंशियली करप्शन में डूबी होती हैं। एथिकल फाइनेंशियल फ्रॉड, करप्शन और मॉरली बैंकरप्ट होती हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं पैसे की वजह से या चर्च की बिल्डिंग यूज करने की वजह से। तो क्या होता है कि खुदावंद की ब्लेसिंग आनी रुक जाती है, खुदावंद की बरकतें रुक जाती हैं, खुदावंद का हाथ उठ जाता है, खुदावंद की हजूरी काम नहीं करती, रूल कुद्दस का मसा उठ जाता है। पैसा तो मिल जाता है और बहुत सी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सी सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन खुदावंद की हजूरी नहीं रहती। तो इन्होंने इजियोन गिबर, जिसे आज हम इलाट बोलेंगे, इलाट का जो इलाका है जहां आज इज़राइल की कैपिटल है, उस इलाके में जिसे जॉर्डेनियन साइड पे उसे अल अकबा कहते हैं, वहां से पोर्ट है एक जहां से शिप जाते थे आज से 3500 साल पहले। आज से 3800 साल पहले फोनिशियन लोगों के शिप जाया करते थे, बड़े बड़े समुद्री शिप जाया करते थे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसके अंदर फ्लेबियस जोसेफस की किताब है। वो अपनी किताब में लिखता है कि जो शिप सुलेमान के समय जाते थे, सुनिए, उसमें 6500 टन गुड्स जाती थी, 600 सवारियां लेके जाते थे। उसके बाद क्रू होता था, टू लाइनर क्रू होता था जो रो करते थे बोट को, दो रोज होती थी उसकी, और उसके अलावा कार्गो होता था। वो 30 से 35 माइल पर डे चलते थे, रात को आराम करते थे।
तो एक साल उन्हें वहां पहुंचने के लिए लगता था, एक साल वहां पे वो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, और एक साल के बाद वो वापिस लौट आते थे। ये लिखता है फ्लेबियस जोसेफस। और हेरोडोटस की पुस्तक में भी मैंने ऐसी बातें पढ़ी हैं। तो ये जो इज़ियोन गिबर, जहां पे शिप बनाए जा रहे थे, अहजाया इज़ाबेल और अहाब का बेटा, तो यहां पे खुदावंद का सच्चा नबी है मारेश, यहां पे लिखा है इलियाजर द सन ऑफ दोदबा ऑफ मारेशा प्रोफेसाइड अगेंस्ट जहोसफट, वो जहोसफट के खिलाफ नबूवत करता है, वो अहजाया के खिलाफ नबूवत नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी विकेड है, वो जहोसफट के खिलाफ नबूवत करता है कि तूने बिकॉज दाउ हैज जॉइंड थाइसेल्फ विद अहजाया द लॉर्ड हैथ ब्रोकन थाई वर्क्स, क्योंकि तूने गलत इंसान के संग दोस्ती की है, क्योंकि तूने गलत पार्टनरशिप की है, क्योंकि तूने अनगॉडली अलायंस क्रिएट की है, इसलिए खुदावन ने तेरे हाथ के कामों को खत्म कर दिया है और ये सारे के सारे समुद्री जहाज तोड़ दिए जाएंगे, वो सब टूट गए और उनमें से एक भी तर्शीश नहीं गया। हालेलुया। तो क्या लिखा यहां पे, ये जो राजा है इसके इसके इसकी बाबत जो जहोशाफाट है, इसके बारे में मैं कुछ बातें पढ़ दूं आपको। ये दूसरा इतिहास उसका 20 का 31, दूसरा इतिहास तवारीख उसका 20 के 31 से, एंड जहोशाफाट रेन्ड ओवर जूडा, ही वाज 35 इयर्स ओल्ड व्हेन ही बिगन टू रेन, ही रेन्ड 25 इयर्स इन जेरूसलम, हिज मदर्स नेम वाज अजूबा द daughter of Shilhi. He walked in the ways of Asa his father. He departed not from it, doing that which was right in the sight of the Lord. वो काम कर रहा था जो खुदावंद की नजर में सही थे। 33 वचन, how be it, the high places were not taken away. जो ऊंची जगहें थी जहां पे बदरुओं को, शैतानी देवताओं को धूप दुखाया जाता था, उसने वो नहीं हटाई। For as yet people had not prepared their hearts unto God of their father. लोगों में वो पॉपुलर था कि वो ऊंची जगह पे जाके धूप दुखाते थे, तो इस राजा ने वो मसला हल नहीं किया, वो ऊंचे स्थान नहीं तोड़े, उसने कंप्रोमाइज की। He wanted to be popular and acceptable. ये राजा चाहता था कि अपनी रिया में उसका नाम हो, वो पॉपुलर हो और लोग उसे एक्सेप्ट करें, इसलिए उसने वो अगेंस्ट द करंट नहीं गया। जो दरिया का पानी जिस तरफ बह रहा था उस तरफ ही बहने लगा, उसके खिलाफ जाके उसने उन गलत चीजों को खत्म नहीं किया। वो पॉपुलर एक्सेप्टेबल बनना चाहता था एट द एक्सपेंस ऑफ लॉर्ड्स विल। उसने खुदावंद की मर्जी नहीं जानी, खुदावंद क्या चाहता है, उसने खुदावंद के कलाम से नहीं सीखा, उसने खुदावंत के तालिबों और खादमों को बुला के नहीं पूछा कि खुदावंत की मर्जी क्या है, खुदावंत का कलाम क्या कहता है। वो लोगों में पॉपुलर बनना चाहता था। तो इस वजह से इसने अपनी जिंदगी में रॉन्ग अलायंसेस बनाई। तो मैं एक और आपके लिए पढ़ देता हूं वचन, इसका 34 अगर आप पढ़ेंगे, 20 का 34। Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu, the son of Hanani, who is mentioned in the book of Kings of Israel. उसके बाकी के सारे काम लिख दिए गए। और मैं आपके लिए पढ़ दूं कुछ और बातें जो राजा की किताब में है। पहला राजा उसका 22 बाब, पहला राजा 22। Do we have more? उसका 41 वर्स पढ़ता हूँ। And Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in fourth year of Ahab king of Israel. Jehoshaphat was 35 years when he began to reign, and he reigned 25 years in Jerusalem. His mother's name was Azuba, the daughter of Shilhi, and he walked in all the ways of Asa his father. He turned not aside from it, doing that which was right in the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away.
for people offered burnt incense yet in high places. उसने मुकम्मल तौर से वो काम नहीं किए जो खुदावंद के कलाम में लिखे हुए थे. उसने खुदावंद की हिदायतों को, खुदावंद के हुक्मों को मुकम्मल तौर पे अमली जामा नहीं पहनाया. वो लोगों को भी खुश करता रहा. वो लोगों को खुश करने वाला एक एक्सेप्टेबल लीडर बनना चाहता था और वो बना. और लिखा है, एंड यहोशाफाट मेड पीस विद किंग ऑफ इज़राइल. और इज़राइल जो कि नॉर्दर्न किंगडम थी, जिसके बादशाह खुदावंद से बहुत दूर थे और खुदावंद खुदावंद की शान के खिलाफ काम करते थे, और इसराइल के जो 10 कबीले थे वो खुदावंद से दूर जा चुके थे क्योंकि वो दान से लेके बेरशेबा में बछड़े की पूजा किया करते थे. उनके साथ इसने दोस्ती बनाई और इसकी 46 वर्स को पढ़ेंगे. एंड द रेमिनेंट ऑफ द सोडोमाइट व्हिच रिमेंड इन द डेज ऑफ हिज फादर आसा टुक आउट ऑफ द लैंड. ये कुछ काम अच्छे करता है सिलेक्टिवली. इसने सोडोमाइट जो थे, होमोसेक्सुअल, एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर, इनको हटाया. इनको मुकम्मल तौर पे इज़राइल से दूर हटा दिया. आपको मालूम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंग्लिकन विकर ने अपनी चर्च में होमोसेक्सुअल लीडर्स को ऑर्डेन किया है. मेथोडिस्ट चर्च, एपिस्कोपिलियन, रिफॉर्म्ड और लूदरन चर्चेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एलजीबीटीक्यू की हिमायत करती है. और अमेरिका के फेमस प्रीचर टीडी जेक साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि खुदावंद की ओपिनियन ऑन एलजीबीटीक्यू इज इवॉल्विंग. देखिए कैसे चर्च का नजरिया बदलता जा रहा है. ब्रायन मैक्लेरन, जो इमर्जेंट चर्च के फाउंडर हैं अमेरिका में, वो ये कहते हैं, द मॉडर्न चर्च हैज टू बी ऑल इंक्लूसिव. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लीडरशिप, जिसे सो कॉल्ड मेनलाइन लीडरशिप कहा जाता है, इट इज टोटली फॉलन. इट इज बिकम टोटली परवर्ट एंड करप्ट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड. Emergent church, all inclusive. वो कहते हैं church has to be all inclusive. People of all religion, people who have different kind of disposition towards life. वो कहते हैं कि homosexuality is just a lifestyle. आपको इसके ऊपर ज्यादा चिल्लाने की या ज्यादा कलाम देने की जरूरत नहीं है. आपको मालूम Emergent church क्या कहती है कि we will pronounce the decree. Let's have the inclusive, all-inclusive church. अमेरिका में सीकर सेंसिटिव चर्चेज हैं, जिसमें आप तौबा के ऊपर मनादी नहीं कर सकते, आपको हेल के ऊपर मनादी नहीं करनी, आपका कलाम जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आप खुदावंद की जजमेंट के ऊपर मनादी नहीं कर सकते, आपको मीठा मीठा कलाम लोगों को देना है. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पर्पस ड्रिवन चर्च है रिक वॉरन साहब की. रिक वॉरन साहब ये सिखाते हैं कि आपको हेल के ऊपर कभी प्रचार नहीं करना है, जजमेंट के ऊपर कभी मनादी नहीं करनी है, आपको लोगों को कहना नहीं कि लोग गुनेगार हैं. एम्ब्रेस पीपल, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरह के लोगों को एम्ब्रेस करो, उनको चर्च में लाओ. धीरे 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 खुदावंद की मोहब्बत उनको बदल देगी. ऐसी थियोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है. तो यहोशाफाट कुछ इश्यूज के ऊपर, मॉरल इश्यूज के ऊपर स्टैंड लेता है, लेकिन हाई प्लेसेस की वर्शिप के ऊपर स्टैंड नहीं लेता. वो देखता है कि कौन सी चीजें लोगों को अच्छी लगती है. आज के प्रीचर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो लोगों को दे रहे हैं जो लोगों को अच्छा लगता है. आपको मालूम खुदावंद का खादिम पलूस रसूल जब तिमोथियस को खत लिखता है तो वो क्या कहता है, मैं वो एकाएक आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं. अगर आप तिमोथी में जाएंगे
तिमथी सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 1, पहला तिमोथियस 4:1। नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली दैट इन द लेटर टाइम्स सम शैल डिपार्ट फ्रॉम फेथ गिविंग हीड टू सेड्यूसिंग स्पिरिट एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डेविल्स। ग्रीक में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है सेड्यूसिंग स्पिरिट, भरमाने वाली रूहें, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द डेविल्स और बदरूहों की तालीम। भरमाने वाली रूहों के लिए ग्रीक वर्ड है प्लेनोनूमा, और बदरूहों की तालीम के लिए प्रिंस पलूस जो अल्फाज इस्तेमाल करता है डॉक्ट्रिन डिडास्कलिया डायमोनियन, डॉक्ट्रिन ऑफ द डेविल्स। तो प्रिंस पलूस कहता है खरी तालीम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो मॉरल इश्यूज पे खड़ा हुआ, लेकिन उसने हाई प्लेसेस के इश्यू के ऊपर कंप्रोमाइज किया। पूरी मुकम्मल तौर पे यहोशाफाट खुदावंद के पीछे नहीं चला, मुकम्मल तौर पे उसने जहाज बनाए इज़ियोन गिबर में। और एक आयत आपके लिए पढ़ता हूं, पहला राजा उसका 22 और उसका 48। पहला राजा 22 का 48 सुने। यहोशाफाट मेड शिप्स ऑफ तार्शीश टू गो टू ओफीर फॉर गोल्ड। पढ़िए इस आयत को अपनी बाइबल में, पहला राजा 22 का 48। पहला राजा 22 का 48। उर्दू में यहोशाफाट मेड शिप्स ऑफ तार्शीश टू गो टू ओफीर फॉर गोल्ड बट दे वेंट नॉट फॉर द शिप्स वर ब्रोकन एट इज़ियोन गिबर। खुदावंद के खादम ने नबूवत की थी कि ये तेरे जो इलियाजर, जो दोडाबाहू, जो मारशा का रहने वाला था, उसके बेटे ने, नबी ने नबूवत की कि खुदावंद तेरे इन जहाजों को जो ओफीर का सोना लेने के लिए जाते हैं उन्हें नेस्ता नबूद कर देगा। और क्या लिखा यहां पे 49 वर्स, देन said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, let my servant go with thy servant in the ship, but Jehoshaphat would not। देखिए selectively godly है ये। वो अहाब का बेटा वो इसके जहाजों में बिठा के अपने सेलर को भेजना चाहता है, क्योंकि ओफीर में बहुत सारा सोना है। मैंने आपको बताया पिछले जो पैगाम हमने दिया पिछली मर्तबा कि सुलेमान के पास बेपना सोना आता था, बेपना सोना। आपको मालूम सुलेमान ने जो टेंपल खुदावंत के लिए बनाई थी नियरली $384 बिलियन। किसी ने पूरी इसके ऊपर एक बुक लिखी है और हर चीज की कैलकुलेशन की है। बेशुमार दौलत उस हैकल के ऊपर लगी थी जो सुलेमान ने बनाई थी, क्योंकि बेपना सोना था। और मैंने आपको पिछली मर्तबा बताया कि चांदी को कोई पूछता भी नहीं था। तो 50 आयत में लिखा यहोशाफाट स्लेप्ट विद हिज फादर एंड वाज बेरीड विद हिज फादर इन द सिटी ऑफ डेविड हिज फादर एंड जोराम हिज सन रेन्ड इन हिज स्टेड। तो जोराम जो है उसकी जो वाइफ है उसका नाम है अथालिया, वो इज़राइल की सबसे बुरी रानी है। रानी कैसे बनी वो, क्योंकि जोराम मर जाता है और वो उसकी जगह रानी बनती है, और वो दाऊद के पूरे बीज का नाश करती है, केवल जोआश बचता है, वो भी खुदावंद के फजल से बच जाता है। हालेलुया। तो रिवाइवल आएगा या बैकस्लाइडिंग आएगी ये डिपेंड करता है हमारी अलायंस कैसी है, हमारी फेलोशिप कैसी है, किन लोगों के संग हम रूहानी रिश्ते बनाते हैं, और हमारे जो रूहानी रिश्ते हैं उनका मोटिव क्या है, उनके पीछे वजह क्या है। तो सुलेमान के बारे में मैं आपको बता रहा था, सुलेमान के बाद में डिजास्टर आया। खुदावन ने सुलेमान से कहा तेरे बाप दाऊद के कारण मैं तेरी बादशाही को
दो हिस्सों में नहीं बांटूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरी बादशाही दो टुकड़ों में बट जाएगी, और उसकी बादशाही दो टुकड़ों में बट जाती है, और एक हिस्सा नौकर ले जाता है और एक हिस्सा उसका बेटा। तो अब यहोशाफाट क्या कर रहा है? यहोशाफाट जो राजा है, मैंने आपको बताया कि वो बुरा नहीं है, इसेंशली बुरा नहीं है वो, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटी है वो खुदावन नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे उसका दिल खुदावन के पीछे नहीं है, वो गलत अलायंसेस करता है, वो सुलेमान और दाऊद की जो किंगडम थी उसके बारे में वो जानते हैं कि सुलेमान की जो किंगडम थी उसमें बेशुमार सोना था बनी इसराइल में। उस समय इसराइल थ्राइव कर रहा था, जितने मुल्क थे इसराइल के इर्द गिर्द वो सब इसराइल के बादशाह सुलेमान को जजिया दिया करते थे, ट्रिब्यूट लाते थे, नजराने तोहफे लाते थे, हर मुल्क आसपास की विसिनिटी में और इवन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सब सुलेमान का लोहा मानते थे। तो उन्हें पता था उस ग्लोरी का, उस ग्लैमर का जो सुलेमान की बादशाही में थी, तो उनको मालूम था कि कैसे इसराइल ब्लॉसम कर रहा था डेविड एंड सुलेमान के समय। तो ये दोनों बादशाहियां, सदरन एंड नॉर्दर्न, सदरन किंगडम गॉडली है, नॉर्दर्न किंगडम एब्सोल्युटली अनगॉडली है, दोनों मिलके शायद एम्बिशन ये है कि हम हाउ वी कैन ब्रिंग बैक द फॉर्मर ग्लोरी, वो जो पहले वाला जलाल उसे कैसे लेके आए, कैसे वो जहाज जो सुलेमान के समय जाते थे और बहुत सारा खजाना लेके आते थे, कीमती पत्थर, जवाहरात, सोना और एप्स लेके आते थे, मंकी लेके आते थे, स्पाइसेस लेके आते थे, कैसे उसे हम दोबारा बहाल करें। मैं चाहता हूं आप एक आयत पढ़ें, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, तवारीख जिसे हम कहते हैं, उसका नौ बाब और उसकी कुछ आयतें पढ़ता हूं आपके लिए। पहली आयत से, एंड व्हेन क्वीन ऑफ शिबा हर्ड ऑफ द फेम ऑफ सोलोमन, शी केम टू प्रूव सोलोमन विद हार्ड क्वेश्चंस एट जेरुसलम and with a great company and camel that bear spices, gold in abundance, and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. And Solomon told her questions, and there was nothing hid from Solomon, which he told her not. And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, and the house he had built, and the meat of his table, and the sitting of his servant, and the attendance of his ministers, and their apparel, and their cupbearer also in their apparel, and all his ascent by which he went up into the house of the Lord, that there was no more spirit in her. And she said to the king, it was true report which I heard in my own land of thine acts and of thy wisdom. Howbeit I believed not their words until I came, and my eye had seen it. And behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told me, for thou exceedest the fame that I heard. तो शिबा की जो क्वीन है, रानी है, वो सुलेमान के पास आती है। इस्लाम में इसे बिल्किस कहा गया है, इस्लामी हदीत में बिल्किस कहा गया है, और जो अफ्रीकन लेजेंड्स हैं उसमें इसका नाम है मकीदा। ये बहुत सारे गिफ्ट, 120 टैलेंट गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, परफ्यूम और बहुत सारी चीजें हैं जो सुलेमान के लिए लेके आती है, और सुलेमान को देख के ऑस्ट्रक हो जाती है। सुलेमान को जो खुदावन ने हिकमत दी है, सुलेमान को खुदावन ने जो गहरी बातों को जानने की समझ दी है, वो उसके आगे रिडल्स रखती है, गहरी बातें, रिडल्स। सुलेमान उन सबको समझ जाता है, और सुलेमान, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसका जवाब सुलेमान उसे नहीं दे पाया। तो वो कहती है कि मेरे को लोगों ने जो तेरे बारे में, तेरे जलाल, तेरी शौहरत, तेरी हिकमत और तेरी बादशाही के जलाल के बारे में आधा ही बताया, जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो कहीं बढ़कर। तो वो सुलेमान को बहुत कुछ दे के जाती है, और असल में अगर आप देखेंगे सुलेमान का डिक्लाइन जब शिबा की रानी आती है, उसके बाद ही सुलेमान का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया पिछली बार, इसके 9:13 में लिखा है, इसी
सेकंड क्रॉनिकल्स 9:13 में कि 666 किकार गोल्ड उसे आया करता था। और यही लिखा है कि सुलेमान का जो थ्रोन था उसके लेफ्ट हैंड पे 6 सोने के शेर बने हुए थे, आइवरी के स्टेप थे, 6 स्टेप थे, 6 शेर इधर थे, 666 and 6, 666। 666 किकार सोना, 666 का नंबर उसके थ्रोन पे, और आदम से लेके, अगर आदम नंबर 1 हो, ईव नंबर 2 और कैन नंबर 3 और हम एबल नंबर 4 ले, तो 666 नंबर आता है सोलोमन का। 666 से एसोसिएटेड है सोलोमन, और सोलोमन का डिक्लाइन यहीं से होना शुरू हो जाता है, जिसे इस्लाम बिल्कीस कहता है। बहुत से अफ्रीकन लेजेंड कहते हैं कि जब आखिरी उसकी रात थी तो वो सुलेमान के पास आई, एंड शी वाज प्रेग्नेंट विद सुलेमान सीड इन हर। और लेजेंड में बहुत सी कहानियां लिखी हुई हैं अफ्रीकन लेजेंड के अंदर कि उसे एक बेटा होता है। लेकिन हम गौर से देखते हैं सुलेमान का डिक्लाइन यहां से शुरू हो जाता है जब वो सुलेमान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती है। तो जो जहोशाफाट है उसके बैकड्रॉप में सोलोमन की किंगडम है, जहां बेहद आशा गोल्ड है और सोने की कोई वैल्यू नहीं है। पहला राजा 10:27 में लिखा है सिल्वर हैड नो वैल्यू, और पहला राजा 10:23 में लिखा है Solomon exceeded in wisdom, in wealth and glory, and there was none like him upon the earth. तो खुदा का वर्ल्ड व्यू वो नहीं है। जोसफाट सोचता है कि जो हमारा तवारीख है, हमारा इतिहास है, कितना सुनहरी है। सोलोमन की किंगडम, डेविड की किंगडम, हम उसे वापिस लेके आए, उस ग्लोरी को हम उस, आपको मालूम लोग अक्सर पीछे की ओर जाते हैं। कई बार लोग बातें करते हैं, हमारे देश में भी मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं जी जो ब्रिटिश का टाइम था बहुत बढ़िया था, आज से 30 साल पहले का समय बहुत बढ़िया था, और लोगों की टेंडेंसी होती पीछे की ओर जाने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन नहीं चाहता कि हम पीछे की ओर जाएं, खुदावन चाहता है हम आगे की ओर बढ़े। हालेलुया, आगे की ओर देखें, हमारे पास पीछे का नहीं, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हम पीछे की ओर फोकस ना करें, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देख। अरे आपको मालूम जापान में एक कॉन्सेप्ट है, जापानीज लोग अपने हेरिटेज के साथ बहुत बंधे हुए हैं, वो हमेशा पीछे की ओर देखते हैं, वो अपने डेड की पूजा, अपने जो एंसेस्टर्स हैं, उनको जो पेट्री आके हैं, जो मर गए हैं, उनकी पूजा करते हैं, और पूजा ऐसे करते हैं कि उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को जानने के बारे में। इसी तरह अफ्रीकन कल्चर में भी वो निक्रोमेंसी जिसे हम कहते हैं, वर्शिप ऑफ डेड, तराफीमों की पूजा, पीछे की ओर जाना। हम देखते हैं लबान जो था, याकूब को जिसने अपनी बेटियां दी, वो भी तराफीमों की पूजा करता था, पीछे की ओर, डेड से कंसल्ट करना, मुर्दों से पूछना। खुदावंद कहता है कि वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदावंद है। हमें सुलेमान की ओर नहीं देखना है, हमें आगे की ओर देखना है। लुक टू द कमिंग ग्लोरी ऑफ द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहोशाफाट पुराने दिनों को चाहता था कि पुराने दिन कैसे वापस लौटाए जाएं, तो वो सुलेमान की तरह तारशीश को जहाज भेजता था कि जहाज तारशीश को सेल करने जाएं। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, मेरे साथ आप निकालें, पहला राजा उसका 10 बाब, और उसकी मैं पढ़ता हूं आपके लिए, पहला राजा 10:14 में 666 का मार्क जो उसके संग जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको 3 निशानियां बता दी जो एंटी क्राइस्ट की सुलेमान के साथ जुड़ी हुई हैं। 666 बाइबल में लिखा है,
वो अपना एक मार्क देगा। शैतान अपना एक मार्क दे रहा है मुकाशफे की किताब में, और जिसके पास वो मार्क नहीं होगा, अलग अलग बातें साइंटिस्ट बताते हैं कि माइक्रोचिप ह्यूमन बॉडी में इंस्टॉल कर दी जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हिब्रू वर्ड है मार्क के लिए करागमा, करागमा जिसकी रूट है लैटिन, और लैटिन में ये वर्ड है करागमे, जहां से हमारा वर्ड निकलता है कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर। तो ये जो निशान मुकाशफे में शैतान दे रहा है लोगों को, लोगों की बॉडी में इंसर्ट कर रहा है, ये लोगों के कैरेक्टर को अर्थात डीएनए को, जीनोम को रीसीक्वेंस कर देगा। जेनेटिकली लोग मॉडिफाई हो जाएंगे जब ये निशान ले लेंगे। अमेरिका में एक फेमस प्रीचर है जॉन मैकार्थर, जो प्रीच कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसी ने ये निशान ले भी लिया तो खुदावंद से माफी मांगे, खुदावंद उसे माफ कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है जिसके ये निशान लग जाएगा वो नजात हासिल कर ही नहीं सकता। ये नहीं कि खुदावंद से बचाएगा नहीं, वो नजात हासिल कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, वो हाइब्रिड बन जाएगा, वो ह्यूमन नहीं रहेगा जिसके ये निशान लग जाएगा, वो हाइब्रिड हो जाएगा, इसलिए वो नजात से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नजात खुदावंद ने इंसानों के लिए मुहैया की है यीशु मसीह के जलाली खून की मार्फत। हालेलुया। आपको मालूम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी एक, अगर आप जाओगे, अगर आप अमेरिकन आर्मी में हो या आप डिप्लोमेट हो, एक्सपेट्रियाट हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या कोई डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हो, तो आपको इमिग्रेशन की लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक स्पेशल लाइन में जाएंगे, वहां पे कंप्यूटर की एक डिस्क है, उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, और जैसे आप अपना हाथ रखेंगे एक नंबर ऊपर आएगा जिसे आप प्रेस करेंगे, और स्क्रीन पे आ जाएगा वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपका रेटिना, आपका डीएनए, आपका बायोमेट्रिक आईडी आपको विल लेट यू गो इनसाइड। तो हम उस दुनिया में जा नहीं रहे, हम ऑलरेडी उस दुनिया में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तो ये बाइबल की जो प्रोफेसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन लास्ट डेज में, कि हम बाइबल प्रोफेसी को समझें कि बाइबल प्रोफेसी में क्या लिखा गया। तो सुलेमान के बारे में लिखा है पहला राजा 10:27 में, सिल्वर वॉज ऑफ नो वैल्यू ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलोमन। सुलेमान की बादशाही में चांदी की कोई कीमत नहीं थी। आपको मालूम चांदी कोरसिव मेटल है, अगर आप चांदी को जमीन में दबा दोगे कुछ महीने के बाद आप आके डिग करोगे आपको चांदी मिलेगी नहीं, वो अर्थ के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, कोरसिव मेटल है। और आपको मालूम सिल्वर जो है रिडेम्पशन की मेटल है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया हमारी नजात और हमारे छुटकारे के लिए। सिल्वर का मतलब है रिडेम्पशन। तो एंटी क्राइस्ट के रूल में सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जैसे सुलेमान के रूल में सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं, रिडेम्पशन की, मुक्ति की, नजात की कोई बात नहीं है उसके रूल में। तो मैं आपको बता रहा हूं एंटी क्राइस्ट की किंगडम और सोलोमन की किंगडम कैसे पैरेलल हैं दोनों। गोल्ड इटर्नल है, नॉन कोरोसिव वैल्यू है गोल्ड, गोल्ड की। इसीलिए खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जमीन पे अपना धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि आपके धन को जमीन पे जंगाल लग जाता है, रस्ट लगती है। तो जमीनी जो खजाने हैं वो सिर्फ सिल्वर हैं जिन्हें रस्ट लगती है। खुदावंद कहता है आसमान में अपने खजाने इकट्ठे करो जहां पे रस्त नहीं लगती, और आसमानी खजाना है प्योर गोल्ड। लौदिकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पास आ, क्योंकि लौदिकिया में गोल्ड माइंस थी। जो पांच बातें खुदावंद कहता है उनको वो पांचों बातों में सरकास्टिकली कह रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत गोल्ड था। तो खुदावंद कहता मेरे पास आ और मुझसे ले आग में ताया हुआ जिंदा कलाम, क्योंकि ये जिंदा कलाम असली खजाना है। हालेलुया। तो एंटी, तो सोलोमन जो है वो टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट है। अगर आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ें,
मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन उस पर एक मैंने पैगाम डाला है घंटे का सॉन्ग ऑफ सोलोमन में। सॉन्ग ऑफ सोलोमन में तीन कैरेक्टर हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सुलेमान खुद है, एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है शुलेमाइट, और एक है शेपर्ड गडरिया। तो हम देखते हैं कि सुलेमान जो है उस खूबसूरत लड़की के, जो सांवली है लेकिन निहायत खूबसूरत है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। और सुलेमान उसे बताता है कि वो बहुत बड़ा बादशाह है, उसका बहुत बड़ा महल है, उसके बेपनाह खजाने हैं, और उसके पास बहुत शोहरत है, इज्जत है, बहुत बड़ी हिकमत है। और वो उससे बातें करता उस लड़की से जिसका नाम है शुलेमाइट, लेकिन जो शुलेमाइट है वो सुलेमान के झांसे में नहीं आ रही। वो बताती है कि मैं गडरिये से, शेपर्ड से प्यार करती हूँ, और वो शेपर्ड के पीछे है, गडरिये के पीछे है। सुलेमान अपनी दौलत, अपना, अपने पैलेस की बात करता है, अपने ऑर्चर्ड की बात करता है, अपने सिल्वर गोल्ड प्रेशियस स्टोन्स की बात करता है, लेकिन वो लड़की बोलती है आई एम इन लव विद द शेपर्ड। तो ये जो शुलेमाइट है ये ट्रू चर्च ऑफ गॉड है, खुदावंत की सच्ची कलीसिया है। ये वो पांच कुआरियां हैं जिनकी मशालें जल रही हैं, जिन्हें लेने खुदावंत यीशु मसीह आ रहा है, जो अपने गडरिये से खुदावंत यीशु मसीह से मोहब्बत करती है। सुलेमान इनका दिल अपनी ओर खींच नहीं सका। तो अब मैं आपको एक आयत देता हूं, पढ़ें जल्दी से, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 9, दूसरा तवारीख उसका 9 बाब और उसकी 20 आयत से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुने ध्यान से। एंड ऑल द ड्रिंकिंग वेसल ऑफ किंग सोलोमन वर ऑफ गोल्ड, एंड ऑल द वेसल ऑफ द हाउस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ लेबनन वर ऑफ प्योर गोल्ड, नन वर ऑफ सिल्वर, इट वॉज नॉट एनी थिंग अकाउंटेड इन द डेज ऑफ सोलोमन, सिल्वर हैड नो वैल्यू। 21 आयत, फॉर द किंग शिप वेंट फ्रॉम तारशीश विद हिज सर्वेंट्स ऑफ हीराम याहूराम एवरी 3 ईयर्स वंस इन द शिप ऑफ तारशीश bringing gold, silver, ivory, apes and peacock. सुलेमान बादशाह के जहाज जाते थे किधर? तारशीश को। तारशीश को जहाज जाते थे, जैसे इस साल जहाज गया, साल में पहुंचता था, एक साल तजारत करते थे वहां पे लोग, तीसरे साल में वापिस लौट आते थे, फिर चले जाते थे, फिर लौट आते थे, और वो समुद्री जहाज सोने से लबरेज होके आते थे, बेशकीमती पत्थरों नगीनों से और लाद के लाए जाते थे, और सुलेमान के पास तरसीस के जहाजों से ओफीर का सोना आता था, बे इंतहा सोना आता था। हालेलुया। और हमने, मैंने आपको पढ़ के बताया इसी का, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 20, इसके 20 बाब में से पढ़ता हूं, चैप्टर नंबर 20 और 36 आयत से पढ़ता हूं। तो यहां पे लिखा है एंड ही 35 पढ़ता हूं, एंड आफ्टर दिस डिड जोसाफाट किंग ऑफ जूडा ज्वाइन हिमसेल्फ विद अहज़ायाह किंग ऑफ इज़राइल हु डिड वेरी विकेडली एंड ही आल्सो ज्वाइंड विद हिम to make ships to go to Tarshish and made the ships in Ezion Gibber. वो दोबारा से जहाज बनाने लगे जिन जहाजों को खुदावंद ने तोड़ दिया था। और फिर क्या खुदावंद कहता है, Then Eleazar the son of Dodavahu of Maresha prophesied against Josaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works. And the ship were broken and they were not able to go to Tarshish. खुदावंद ने तारशीश के जहाजों को गिरा दिया, तोड़ दिया। खुदावंद तारशीश के जहाजों को जाने नहीं देता। आपको मालूम यशाया में एक आयत है, यशाया नबी की किताब में उसका 23 बाब पढ़िएगा, यशाया 23 बाब उसकी पहली आयत, यशाया 23 की पहली आयत सुने, बिहोल्ड द लॉर्ड, नहीं ये नहीं है, 24 का 23, द बर्डन ऑफ टायर, हाउल ई शिप्स ऑफ तारशीश, फॉर इट इज लेड वेस्ट सो दैट देयर इज नो हाउस नो एंटरिंग इन फ्रॉम द लैंड ऑफ शिटिम इट इज रिवील्ड टू देम, ओ शिप्स ऑफ तारशीश, तारशीश के जहाजों के ऊपर हाय,
और इसका 14 वचन, हाउल ई शिप्स ऑफ तारसीस फॉर योर स्ट्रेंथ इज लेड वेस्ट, हे तारसीस के जहाजों तुम नेस्ता नबूद हो गए, खुदावंद ने खुद तारसीस के जहाजों का बेड़ा गर्क कर दिया और खुदावंद ने कहा कि तारसीस को दोबारा कभी जहाज जाने ना पाएंगे। आपको मालूम उसी जहाज में कौन चढ़ गया? जोना। जोना नबी, वो जहाज जिनके मार्फत बहुत सा सोना, दुनिया की बेशकीमती चीजें सुलेमान की बादशाही में आती थी। सुलेमान बहुत अमीर हो गया और सुलेमान की दौलत के कारण सुलेमान ने बहुत से रथ रखे, बहुत से जहाज, उसने बहुत से समुद्री जहाज बना लिए, बहुत से रथ, बहुत बेशुमार घोड़े खरीद लिए, उसने बहुत से अस्तबल बनाए, हजारों लोगों को घोड़ों की निगरानी के लिए रखा, रथों की निगरानी के लिए रखा। सुलेमान ने बहुत सारे मिलिट्री स्टॉल्स बनाए, सुलेमान ने अपनी फौज में बहुत इजाफा किया, जबकि खुदावंद ने ये बातें करने से रोका था कि इसराइल का बादशाह ज्यादा घोड़े ना रखे, ज्यादा अस्तबल ना बनाए, इसराइल का बादशाह अपनी फौज ना बढ़ाए, अपनी फौजी ज्यादा इकट्ठे ना करे, ज्यादा घुड़साल ना बनाए, ज्यादा रथ ना हो उसके पास। और जब इतना कुछ उसके पास बढ़ गया तो उसने बहुत सी बीवियां रख ली, 1000 ऑल टुगेदर। और फिर सुलेमान खुदावंद की ओर से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसी जहाज के अंदर बड़े 100 सालों के बाद जोना नबी सवार हो गया। आपको मालूम वहां पे एक बड़ा प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है कि एक ऐसी आंधी आई, इतनी खतरनाक आंधी समुद्र में आई, उसके लिए जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है वो बताता है कि अगर खुदावंद उस आंधी को ना रोकता, द होल यूनिवर्स वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मैं अगर खुदावंद चाहेगा तो अगले वेंसडे जोना नबी की इस बात के ऊपर हम मनन करेंगे खुदावंद के काम से। तो खुदावंद का ये नाफरमान नबी जापा से, और जापा में कौन है? जापा में ही है पतरस, जो पहले शमाउन था फिर पतरस बन गया, वो भी यहाँ पे खुदावंद की इनकारी करता है। और जापा में ही जोना नबी इनकारी करता है, इस जहाज में बैठता है तो खुदावंद उस जहाज को डुबो देता है। और आपको मालूम उसी जहाज के अंदर 27 बाब में वही आंधी चलती है, यूरोकिलोन, जिसकी वजह से पलूस का समुद्री जहाज भी फना हो जाता। हालेलुया। आपको मालूम खुदावंद कई बार हमारी जिंदगी में छोटी या बड़ी ट्रेजेडी लेके इसलिए आता है, जैसे जोना नबी की जिंदगी में लाया, क्योंकि बड़े डिजास्टर से हमें बचाना चाहता है। जोना नबी की जिंदगी पे भी कॉलिंग थी, आपकी और मेरी जिंदगी पे भी कॉलिंग है। खुदावंद उस कॉलिंग को बचाना चाहता है। जोना को पैसे देने पड़ते हैं खुदावंद की नाफरमानी करने के लिए और तर्शीश का जहाज पकड़ने के लिए, लेकिन वेल मच्छी उसे मुफ्त में निनवे पहुंचा देती। हालेलुया। तो रॉन्ग अलायंसेस, जोसाफाट गलत अलायंस, गलत स्पिरिचुअल अलायंस बनाता है, गलत लोगों के साथ दोस्ती करता है, कंप्रोमाइज करता है, अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेता है, कंप्रोमाइज करता है, कुछ बातों के लिए स्टैंड लेता है, कुछ बातों के लिए स्टैंड नहीं लेता, कुछ बातों के लिए खड़ा होता है, कुछ बातों के लिए खड़ा नहीं होता। हमें मुकम्मल तौर पे खुदावंद के कलाम पे खड़े होना है, मुकम्मल तौर पे खुदावंद के कलाम को लेना है और पूरे दिल से खुदावंद के पीछे चलना है। हालेलुया। हमें अगर खुदावंद के पिछले कामों को जो उसने किए, बनी इसराइल के दरमियान अजीम काम किए, हमें उन्हें याद करना है, वहां पे स्टक नहीं रहना, उन्हें याद करके आगे बढ़ना है। जो यहोशाफाट फॉर्मर ग्लोरी को लेके आना चाहता था, रिवाइवल लाना चाहता था इसराइल में, लेकिन मुकम्मल तौर पे खुदावंद की ओर उसका दिल जो था जुड़ा नहीं था। तो हम अपना दिल खुदावंद की ओर मुकम्मल तौर पे जोड़ें, खुदावंद की ओर मुड़ें, और जो काम करें वो खुदावंद के कलाम के अनुसार, जैसे खुदावंद हमें हिदायत देता है, अपनी मर्जी से नहीं,
अपनी अपनी हिकमत के हिकमत से नहीं, अपने अपने कुछ लोग अपने रोए अपने दर्शन खुद बना लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि मुझे सिर्फ खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंपना है, मुझे अपना रोआ खुद नहीं बनाना, अपना दर्शन खुद नहीं बनाना, अपना विजन खुद नहीं क्रिएट करना। गॉड विल हिमसेल्फ पुट अ विजन इन माय हार्ट, गॉड विल हिमसेल्फ गिव मी ए स्पेसिफिक कॉलिंग, गॉड विल हिमसेल्फ शो मी व्हाट आई हैव टू डू इन अ पर्टिकुलर सीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम, बट ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट लिसन टू हिज वॉइस। So I do not make my own roster. I don't make my own agendas. I just surrender my heart to the Lord each day. Each day I surrender my soul to Him and I ask Him, Lord, what is that You want Your servant to do? And each day the Lord gives me His agenda. Hallelujah. आइए खुदावंद से उसके एजेंडाज मांगे और अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज ना करें, गलत लोगों के साथ हम अलायंस ना करें, गलत लोगों के संग संगतियां ना करें, अपनी जिंदगी में गलत फैसले ना लें। जोसाफाट ने अहाब के साथ दोस्ती की, इजाबेल के साथ दोस्ती की, बाल देवता की पूजा जो नॉर्दर्न किंगडम में लेके आए, उन्होंने जोसाफाट को उस इन्फ्लुएंस किया। जोसाफाट बहुत डबल माइंडेड किंग बन गया, थोड़ा खुदा की और थोड़ा जिस्म की ओर। और क्योंकि जोसाफाट ने अहाब से दोस्ती की, इसलिए अहाब और इजाबेल की बेटी अथलिया उनके घर में आ गई, जो जिसके द्वारा बहुत बड़ा डिजास्टर आया सदरन किंगडम में। तो हम ऐसे गलत फैसले अपनी जिंदगी में ना लें। हालेलुया। तारसीस के जहाज खुदावंद ने तोड़े, सुलेमान के तोड़े, खुदावंद ने तारसीस के जहाज जिनमें सोना चांदी हीरे मोती जवरात दुनिया की नायाब चीजें लेके बनी इसराइल आते थे, खुदावंद ने उन जहाजों को तोड़ दिया। सुलेमान के तोड़े, उसने जोसाफाट के तोड़ दिए, उसमें जब जोना बैठा तो ऐसी आंधी चली कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स वुड हैव बीन डिटियोरेटेड If God did not stop that storm. But God in His providential mercy stopped that great storm. Hallelujah. खुदावंद हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू अपने कलाम से हमें हिकमत और दनाई देता है कि हम दिल की खराई से तेरे पीछे चलें, होल हार्टेडली। Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत करें पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी रूह से, और खुदावंद अपने वजूद के जर्रा जर्रा से तुझसे मोहब्बत करें, और खुदावंद तू अपने इस जिंदा कलाम को खोल, हमारी आंखें खोल कि खुदावंद तेरे कलाम का मुकाशफा हमें मिले खुदावंद। हालेलुया। और हम तेरी राह जाने जैसे तेरे खादिम राजा दाऊद ने कहा, ए खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा, ए खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू बखा, तेरी ही पले आई दी करांगा मैं पैरवी, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर, मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर, ए खुदा ए खुदा ए खुदा। प्यारे खुदावंद, तेरे कलाम की
अंदरूनी रोशनी से हमें भर कि हम अपनी जिंदगी में सही फैसले लें, सही लोगों से रिफाकत रखें, गलत अलायंसेस फॉर्म ना करें, ताकि खुदावंद हमारे जो जहाज जो खुदावंद हमारी हमारे हाथों की जो मेहनत से जो काम तू खड़ा करे वो जहाज कभी नेस्ता नबूद ना हो। हालेलुया, कायम रहे खुदावंद, लेगेसी कायम रहे खुदावंद। जितने तेरे लोग इस समय खुदावंद इस सोशल मीडिया इस सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं अलग अलग मुख्तलिफ देशों में कंट्रीज में, सबके लिए तेरी बरकत को मैं चाहता हूँ। और खुदावंद तेरे जलाली हाथ को खोलता हूँ और तेरा काहिन होने के नाते खुदावंद मैं यीशु के जलाली खून को तेरे अजीम लोगों के ऊपर छिड़क देता हूँ। खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीले से इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह आमीन। सबको जय मसीह। Praise God, praise God.